5 करोड़ साल को, ये देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों जनरली पूछा जाता है और बार बार पूछा जाएगा, तो मैं इसको बता देता हूँ अच्छे से बेहतर तरीके से, फिर आपको कभी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कि क्वेश्चन सही होगा तो कमेंट करना, जवाब देना, क्योंकि यार ये वर्चुअल दुनिया है, तुम भी वर्चुअली हो, हम भी वर्चुअल हैं, बट हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यार, ठीक है। ये वर्चुअल दुनिया बहुत ही अच्छी यार, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कंसीडर द जंक्शन डायोड आइडियल है, देखो पहले ही बता दिया, जंक्शन डायोड आइडियल है, द वैल्यू ऑफ द करेंट फ्लो थ्रू द ए बी। अब यार ये ए बी, ये डायोड आइडियल है और ये ए है और ये बी है, तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ केवीएल इज द बेस्ट, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ब्रह्मास्त्र है, एक बार चला दे तो कोई काट नहीं सकता उसको, अगर चलाने आए तो। ऐसा नहीं ब्रह्मास्त्र चला रहे हो तो अपने ही घर में चला दो, अपने ही सैनिकों पर ब्रह्मास्त्र चला दो। एक बार केवीएल लगा दिए कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, अगर सही से लगा दिए तो। यहाँ से करंट जा रही होगी भाई, ये 4 वोल्ट है, हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है, मतलब होता है, पर ये कहो कि ऑलवेज होता है, ऑलवेज नहीं होता है। तो यहाँ से प्लस है, ये माइनस है, तो करंट इधर से जा रही होगी, इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो इस सर्किट को अगर मैं रीड्रा करूँ तो ये रीड्रा सर्किट ऐसे होगा, देखो इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया और यहाँ एक रेजिस्टेंस मिल गया और ये ऐसे हो गया, ये 1 किलो ओम, यहाँ डायोड लगा था और उसका रेजिस्टेंस मैं काउंट नहीं किया, ये 4 वोल्ट आ गया और ये आ जाएगा -6 वोल्ट। तो यही तो करंट ही तो निकालना, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसके निकालने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड है केवीएल लगा दो, ब्रह्मास्त्र केवीएल, यहाँ से चलो सारे वोल्टेज अप एंड डाउन नोट करते चले चलो और वहाँ चले जाओ, ठीक है। ये भी ए बी है और ये भी बी बी है और ये आर है मान लो, तो यहाँ से वोल्टेज वी ए माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई आर, और फाइनली पहुँच गए वी बी पे, ये वाली चीज़। अब वी ए कितना है बोलो, वी ए है +4 वोल्ट और माइनस आई हमें चाहिए, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1000 और ये आ जाएगा -6 वोल्ट, है ना। तो यहाँ से जो है --10 दैट इज 1000 आई, तो यहाँ से I इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1000, एक जीरो ने एक जीरो को 10^-2 एम्पियर, तो ये वाली चीज 10^-2 एम्पियर, तो 10^-D ऑप्शन सही है। नहीं तो ये केवीएल लगाने जिसको नहीं आ रहा होगा यार, अगर नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा ये सुन के, अगर केवीएल ना लगाने आए हो। वैसे बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसी से इंजीनियरिंग करते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है 4 साल की केवीएल केसीएल नॉर्टन थेवेनिन में, 4 थ्योरम में पूरी इंजीनियरिंग ख़त्म, लगाओ जिंदगी भर, उसके बाद आगे की ज़िंदगी भी उसी चार थ्योरम में ही घूमेगी भाई। केवीएल केसीएल ओम्स लॉ थोड़ा छोटा हो जाता है, बच्चों जैसा हो जाता है, तो 4-5 सर्किट 4-5 थ्योरम में पूरी सर्किट सॉल्व होती है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है ओम्स लॉ, केवीएल केसीएल थेवेनिन नॉर्टन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से ये जो है फोर, ये हाँ ओम्स लॉ लगा दो तो करंट आई इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिफरेंस हायर में से लोअर को घटाते हैं 4 -6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1000, ये आ जाएगा ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से कह रहे होंगे कि सर ये तो एक लाइन में हो गया, आप तो ऐसे ही बता दिए, बट इसके साथ रहो, इसके साथ नहीं रहो, ठीक है।